यार 2 दिन बाद मेरा रिजल्ट है और मैंने तो इतने गंदे पेपर दिए थे और एक पेपर में तो स्कूल की प्रिंसिपल ने चीटिंग करते पकड़ लिया था। बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा, इतनी टेंशन में क्यों? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। बस मामा ना रिजल्ट का ना पूछ लें। वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? अभी नहीं पता मम्मा। ओ अच्छा, अभी तुम सो जाओ, बहुत रात भी हो। चले ठीक है। ओ नो यार, इतना गंदा रिजल्ट, अब तो मम्मा मुझे बहुत मारेंगी, डर लग रहा है। जल्दी छुपाना होगा। नहीं यहाँ पे तो नहीं होगा। बेटा क्या हुआ, वैसे अभी तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया और आज तुम्हारा रूम मैं खुद ही साफ कर दूंगी। ओके? नहीं नहीं मम्मा, मैं कर लूंगी ना अपने कमरे की सफाई। नहीं यार, मैंने तो अपने रूम में रिजल्ट छुपाया हुआ है। ठीक है, वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, तुम अपने रूम की सफाई खुद कर ले। ओके मामा। यार शुक्र है मैं बच गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रूम की सफाई हो गई? जी मामा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा बोलो। वो मेरा ना रिजल्ट आ गया है। क्या दिखाओ मुझे जल्दी, कहाँ है तुम्हारा रिजल्ट, जल्दी दिखाओ। व्हाट, तुम फेल हो गई और तुम्हें स्केटिंग शूज भी चाहिए थे ना? अगली बार जब पास होगी तभी दिलाऊंगी। मामा प्लीज, मामा मुझे स्केट शूज दिलाएंगी ना मम्मा, प्लीज सॉरी मम्मा, प्लीज सॉरी। वोरी कुछ नहीं चलेगा, इधर आओ। सॉरी मम्मा, सॉरी, प्लीज छोड़ने।